हेलो फ्रेंड, पूर्णा ढाबा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पापड़ खाना तो लगभग सभी को बहुत पसंद होते हैं। शाम की चाय में जितने भी पापड़ भून लिए जाएं उतने ख़त्म ही हो जाते हैं। आज मैं आपको केवल एक कप चावल से इतने सारे पापड़ बनाना बताऊंगी, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना। चावल के पापड़ बनाने के लिए मैंने ये एक कप चावल लिए हैं। ये नॉर्मल वाले चावल हैं। अगर आपके पास घर किनकी हो तो आप चावल की किनकी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो घर में यूज़ होते हैं चावल उन्हीं का यूज़ किया है। इसे एक मिक्सिंग बोल में लेकर पानी डालकर हम 2-3 बार अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लेंगे। खूब रगड़ रगड़ को चावल को वॉश कर लीजिए ताकि इसमें से सारा स्टार्च और धूल मिट्टी निकल जाए। आप जितने अच्छे से चावल को वॉश करेंगे आपके पापड़ उतने ही अच्छे खिले खिले बनेंगे। और ये देखिए, मैंने चावल को 2-3 बार अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लिया है। अब इसमें 2 गिलास पानी डालकर पूरे 24 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। एक पूरा दिन और एक पूरी रात हमें चावल को अच्छे से भिगोना है। फ्रेंड्स, इस काम में आप जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। और ये देखिए, हमारे चावल पूरी तरीके से भीग गए हैं और एक दाना तोड़ने पर आराम से हाथ से टूट रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो इसकी जगह चावल का आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चावल का आटा सभी के घरों में अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने आज पापड़ चावल से बनाए हैं। अब इन चावलों को हम एक मिक्सी के जार में ले लेंगे। अगर आप तुरंत चावल को पीसेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत किनकी रह ही जाएगी। और ये देखिए, मैंने चावल को बिल्कुल महीन पीस लिया है। ये एकदम मैदा की तरह पीसकर तैयार हो गया, इसमें बिल्कुल भी किनकी नहीं है। अब इसे हम एक बड़े बर्तन में ले लेंगे या फिर जिसमें आपको पापड़ बनाने हैं आप उसमें ले लीजिए। और ये देखिए, मैंने सारे चावल को अपने एक बड़े बर्तन में ले लिया है। अब मैं नाप कर इसमें 10 कप पानी डाल दूंगी। एक कप चावल के साथ हमें 10 कप पानी का यूज़ करना है, क्योंकि चावल को पक गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ही यूज़ होता है। और ये देखिए, मैंने इसमें पूरे 10 कप पानी डाल दिया है। अच्छी तरीके से चावल को पानी के साथ मिक्स कर देंगे। आप इस समय बिस्कर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गैस पर रखने के बाद आपको बिस्कर का ही यूज़ करना है। चावल में बहुत जल्दी लम्स पड़ते हैं। और अब अपने चावल को हम गैस पर रख देंगे और लो टू मीडियम गैस फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है। फ्रेंड्स, इस समय इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इसे आपको लगातार चलाना है, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और बिस्कर की हेल्प से लगातार चलाते हुए ये देखिए, 2-3 मिनट में ही हमारा मिक्सर अच्छे से गाढ़ा होने लगेगा। और जैसे जैसे हम चलाते जा रहे हैं मिक्सर हमारा गाढ़ा होता जा रहा है। और ये देखिए, मिक्सर कितना गाढ़ा हो गया है। अब बिस्कर को हटाकर मैंने चमचे का यूज़ कर लिया है, अब इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। थोड़ा सा खोला आने के बाद आप बिस्कर को हटाकर चमचे का यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। पापड़ में फ्रेंड्स नमक कम ही डालिएगा, क्योंकि सूखने के बाद इसमें बहुत तेज नमक हो जाता है। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आप पापड़ में मिर्च नहीं खाना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अच्छे से चावल के मिक्सर को खूब गाढ़ा कर लेंगे। मात्र 2-3 मिनट में ही आपका बैटर बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा होने लगेगा।
और देखिए लगातार चलाते हुए इसमें एक भी लम्स नहीं है। बस फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हमें इसे लगातार चलाते रहना है। और ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, मैं चमचे के ऊपर आपको दिखाती हूँ कितने गाढ़े तरीके से मिक्सचर बन गया है। अब इसे बस मात्र 2 मिनट गैस पर और रखेंगे। सबसे बाद में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिए का यूज़ आप बाद में ही कीजिएगा, वरना फिर हरे धनिए का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और पापड़ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इसे भी सारे मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। अब ये देखिए मैंने एक पन्नी बिछा दी है, उस पर थोड़ा सा ऑयल डालकर पूरी पन्नी को अच्छे से ऑयल लगा देंगे ताकि हमारे पापड़ सूखने के बाद बिल्कुल भी चिपके नहीं। पूरी पन्नी में अच्छे से ऑयल फैला देंगे। और ये देखिए मैंने अपनी पन्नी को अच्छी तरीके से ऑयल लगा दिया है। अब हम अपने बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अपने बैटर में से 1 से 1.5 चम्मच बैटर लेकर पन्नी पर फैलाएंगे। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, चावल के पापड़ थोड़े बड़े ही मोटे बनाए जाते हैं, वरना सूखकर ये बिल्कुल टूटने लगते हैं। और चमचे से अच्छे से फैलाते हुए हम इसे बना देंगे। आज मैंने थोड़े बड़े बड़े पापड़ बनाए हैं, अगर आप छोटे पापड़ बनाना चाहते हैं तो छोटे भी बना सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि पापड़ थोड़े मोटे बनने चाहिए। और ये देखिए कितने आराम से हमारे पापड़ बनते जा रहे हैं। मात्र 5 मिनट में आप 100 से 150 तक पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको ये पापड़ जल्दी जल्दी ही बनाने हैं, जब तक आपका बैटर गरम है। गरम गरम बैटर में ही इन पापड़ों को बस सेट करना है, वरना ठंडे होने के बाद इसमें ये पापड़ बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए मात्र 5 से 7 मिनट में हमारे कितने सारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन पापड़ों को हम 2 दिन तेज धूप में सुखा लेंगे। 2 दिन के बाद देखिए पापड़ कितने अच्छी तरीके से सूखकर तैयार हो गए हैं। एक एक पापड़ बिल्कुल अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से पापड़ बनाएंगे तो आपके पापड़ बाजार से भी अच्छे बनेंगे। मैं आपको एक पापड़ तलकर दिखाती हूँ। इधर कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम होने रख दिया था, ऑयल को तेज गरम कर लीजिएगा और तभी पापड़ भूनिएगा। कभी भी आप चिप्स पापड़ भून रहे हो तो ऑयल को तेज गरम करके ही भूनिएगा। और ये देखिए कितने खिले खिले पापड़ भूनकर तैयार हो रहे हैं। फ्रेंड्स इन पापड़ों को बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है और आपके 10 से 15 मिनट में ढेर सारे पापड़ बनकर तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ 1 कप चावल में आपके 100 से ज़्यादा पापड़ बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से बने हुए हैं, मैं आपको एक पापड़ तोड़कर दिखाती हूँ। तो इस बार होली पर आप इसी तरीके से पापड़ बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बनाने में भी आपको इसे बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।